Welcome to my channel, this is Sam. I'm playing Elden Ring. I need to roam around to see what is on this side. लेकिन इसको ऊपर जाने के लिए तो भाई वो है ना फायर जायंट। मतलब इधर फायर जायंट है, इधर कुछ और होगा। अपना लेवल तो हो गया है 223। आई कैन गो फॉर फायर जायंट राइट। यहाँ का कुछ बॉस भी था जो उसको मेरे को करना था। कुछ बॉस तो छुटा हुआ है उधर उधर। वो जो जगह लगता है वो फायर जैन को हरा के ही उधर जाना पड़ेगा, उससे पहले नहीं जा सकता। उधर चलो देखते हैं भाई। ब्लड फ्लेम लगाऊंगा तो शायद गोल्डन वाव काम नहीं करेगा। एक बार सामने से कोशिश करता हूँ, ठीक है। ब्लड फ्लेम लगाता हूँ। ओ भाई रुक जा, इसको हटा के इसको ले लेता हूँ। ओह भाई ये क्या था, ये तो कूदा भी था यार। जितना मैंने सोचा था वैसा। वाओ आई सॉ दिस फर्स्ट टाइम एंड लाइक गॉट रिड द गैफेड, एंड दिस द सेकंड टाइम आई एम सीइंग एन बॉस टियरिंग हिज ओन लिम्स। And he is sacrificing his limbs to what the hell? Oh.
में गया। So second stage I will try to keep a distance. बार मरने के बाद भाई साहब यस
एंड इजी होगा भाई। प्लीज क्या था ये, सही नहीं था भाई जो भी था। I killed a fire giant in my second try. But that was ridiculous. The fire giant ball that will still exist, that still existed. Even after I killed the pageant, that was just fucking ridiculous. क्या हो जाता है यार? चलो, at least we got the remembrance from this. Right now we go to different places. The main boss of this area is dead. Fire giant was the most easiest boss ever. You only have to keep your distance. लेकिन एक चीज मुझे दिखा यहाँ पे कि मेरा जो डैमेज वहाँ पे आ रहा था वो डैमेज बहुत कम हो गया। Found a grace. We'll go this way.
I leveled up my faith to use the golden bow. That's the only reason I did that. मुझे लगता है मैंने यहाँ पे वो ग्रेस ले लिया है. यहाँ पे कुछ नहीं है, ग्रेस ही है शायद. फोर्ज ऑफ द जायंट्स. ओ यहाँ पे शायद कुछ करना है मेरे को. रिमेंबर व्हाट दैट गाय सेड, दैट न्यू गाय हु केम इन प्लेस ऑफ द समुराई, द फर्स्ट गाय, द फर्स्ट एनपीसी दैट वी मेट इन दिस माउंटेन साइड, दैट वी हैव टू सैक्रिफाइस मेलिना टू गेट something from here to burn the gate that we are stuck after defeating Godfrey. I think that guy's name was Godfrey or something like that, the Omen King or something like that. उस Godfrey, the Omen King को हराने के बाद एक दरवाज़ा मिला था जिसमें thorns लगा हुआ था और thorns को जला के आगे निकलना है. उसके लिए ये फायर जैन का फायर चाहिए. मैं यहाँ पे ये ग्रेस को टच करूँगा तो यहाँ पे मेलिना आएगी, मेलिना बाई बोलेगी और मेलिना को सेक्रीफाइस करना है यहाँ पे. तो बिफोर सेक्रीफाइसिंग मेलिना आई वांट टू गो अराउंड दिस आइलैंड अ लिटिल बिट मोर. आई विल टच द ग्रेस सो दैट दिस एरिया इज डिस्कवर्ड, बट आई विल नॉट रेस्ट हियर. ये मिला था ना हम लोगों को, बस चेक कर देता हूँ भाई. सो दिस इज वेयर वी फाउंड लेटेना एंड वी डिड द लेटेनास क्वेस्ट. दिस इज वेयर वी वांट टू गो. ये मिस आउट हो गया, ये नहीं हुआ था, बाद में करूँगा बोला मैंने. अभी 2,59,000 है भाई, अभी तो टेंशन है. टेंशन पता चला है. कितना चाहिए बताए, बहुत चाहिए. सो लेट्स गो. आई जस्ट यूज्ड अप ऑल माय रूम्स. मुझे तो लगता है इधर नीचे ही जाना पड़ेगा, फिर भी इधर देख लेता हूँ एक बार. डज नॉट ओपन फ्रॉम दिस साइड, लगा ही था. अबे चार बार मारना पड़ता है. मारने से 6,000 मिला, मतलब 3,000 करके मिलता है कि मारने से.
part-66 दिखा रहा है। एक सेकंड, लूटना ही है तो लूटेंगे ना। ये हरामी पत्थर मार रहा है इधर से। Somewhere smithing stone 8. Whoa. Smithing stone 8. Somewhere smithing stone 8. नहीं चाहिए लेकिन ये लोग टफ है भाई। एबिलिटी यूज करके मार रहा हूं मैं तो टफ ही होगा ना भाई। ये कौन है भाई? स्मिथिंग स्टोन 9। इधर भी कुछ है भाई। सोमवर स्मिथिंग स्टोन, स्मिथिंग स्टोन है। चलो कोई बात नहीं, सोमवर स्मिथिंग स्टोन 8 प्लस सोमवर स्मिथिंग स्टोन 9 मिला, प्लस स्मिथिंग स्टोन 8 प्लस और एक सोमवर स्मिथिंग स्टोन 8। देर आर मोर। ओह नो, दिस इज समथिंग। इधर है बॉस फाइट। अब ये शॉर्टकट खुला, स्मिथिंग स्टोन 8। अंदर जाने से पहले Still star of darkness. Holy shit. अच्छा ऐसी बात है। चलो अभी इसको Astral Star of Darkness, not a bad name, but साला यहाँ गोल्डन वॉव यूज करूंगा प्लस, अभी तो दरवाजा खुल गया ना। आई नीड दिस वन हियर। दो से हो जाएगा भाई।
ख्याल छूती है। पहुंचा ही नहीं भाई अगर। अरे बाप रे बाप, इसको लगता है सामने जाना पड़ेगा यार, इससे दूर से तो फाइट ही नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है ये सामने जाने पे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, या फिर मैं काम करता हूँ अपना फिजिक चेंज करता हूँ। इट्स किलिंग मी इन वन अटैक। लाइटनिंग अटैक ले लेता हूँ और इसके जगह कौन सा था भाई वो, अभी गोल्डन वो को जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ फायर वो लगाएंगे और जाएंगे। लग फ्रेम लगाऊंगा, मुझे आगे नहीं आने देगा ना। कौन सा रेंज है इसका भाई, अरे भाई
Ooh, that was too close and also too far. Too close yet too far. लेकिन ठीक है ये बॉस उतना इजी नहीं है यार उतना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं एक काम करता हूँ मैं इसके जगह ये ले लेता हूँ ये साला हमेशा मेरे को डॉज करने नहीं देगा सलामी का है ही है पहला अटैक पता नहीं मैं क्यों नहीं डॉज कर पा रहा द मेन थिंग अबाउट दिस बॉस इज इट्स रेंज Its range of attack is very long, far. It's लॉन्ग रेंज अटैक इज द की और दिस बॉस इज टेस्टिंग मी मैन दिस बॉस इज टेस्टिंग मी I will use golden bow and then I will पहले तो वो ये मारेगा ना
फेस था यार. व्हाट इज दिस? व्हेनेवर आई ट्राई गेटिंग क्लोज टू किलिंग दिस गाय जस्ट शोज अप विद अनदर ऑफ हिज ट्रिक्स. But I was close with the brand of ball sex, bolt of grand sex. Oh man, this guy is getting on my nerves, man. This guy is getting on my nerves. Take advantage and not die. क्या था भाई? अरे दो तो आ गया, चार चार. आई थिंक आई हैव टू यूज माई सोर्ड व्हेन आई एम क्लोज रेंज एंड फायर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस विद दिस थिंग. आई हैव टू यूज बोथ ऑफ दिस टू कंप्लीट दिस, अदरवाइज इट्स नॉट going to happen. So this is one way to avoid that attack. Hide behind some चौदह हिल्स लेके भी नहीं हो रहा है, सॉरी 12 हिल्स लेके भी नहीं हो रहा है.
इतना इजी तो है नहीं, लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले भाई। सो आई गॉट द आइडिया टू अवॉइड इट्स फर्स्ट अटैक एंड फॉर द नेक्स्ट अटैक्स just be behind this thing and then move on. It will try to swing at you. अटैक दिख रहा है इसका यार, ये तो पकड़ता है कभी कभी मरने के टाइम ये करता है, कभी हाथों में लेके हवा में उड़ा देता है। दिस इज काइंड ऑफ अ बॉस दैट आई शुड किल वेरी फास्ट और अदरवाइज इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, अ ह्यूज प्रॉब्लम। ओके लेट मी ट्राई द अगेल्स, नॉट रॉटन ब्रेथ, द अगिल्स ब्रेथ ऑन दिस गाय। ट्राई करने में क्या जाता है यार, पता कैसे चलेगा कि कौन सा बॉस कौन से अफिनिटी से डैमेज किया जा सकता है। अगर मैं ट्राई ना करूँ तो आई विल जस्ट रिमूव दिस वन एंड टेक नॉट अगिल्स एग्जैक्टिस। देखिए this takes a lot of FP, so I have to be careful and it has to be like I have to be close to use this. Avoid the first attack, go straight for this guy's फिर से पकड़ लिया, फिर से खा लिया, खत्म। इसके लिए कितना हेल्थ चाहिए यार, 70-80 हेल्थ चाहिए लगता है, क्योंकि ये पकड़ता है जब तब हेल्थ खा लेता है। ये बाल हाथ जल गया मेरा।
के जो आता है ना भाई, तब कुछ करने ही नहीं देता है। मुझे लगता है इसको कुछ और से ही मारना पड़ेगा यार। एक सेकंड, कभी कभी रेडिकुलस वेपन्स भी काम आ जाते हैं। मीडियम लोड ही दिखा रहा है अभी तक। सबका लोड है ना, तो मीडियम लोड में तो ये काम नहीं आएगा। तो कुछ और ले लेता हूँ मैं। Let's try. तभी मारेगा, ऊपर रहूंगा तभी मारेगा।
लगा था मुझे काम हो जाएगा लेकिन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल आई विल बी ट्राइंग दिस अगेन। जो आता है ना भाई बच गया मैं। चार निकलता है ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ इट।
they get a range. Fucking range, man. And this motherfucker. It can fly, it can change its dimension, it can change its number, it can change its location. करूँ तो क्या करूँ? सक्सेसिव अटैक्स तो नहीं हो रहा है. अपने आप चेंज हो जाता है मॉडल चित्र. अच्छा चार चार आता है. यस बिच, यस द डेड बिच. फकिंग दिस टुक मी लाइक more than 10 tries. That was worth it. Now I know all the fucking moves of this guy. The last ability of this guy was utterly dangerous.
I thought that was acting like a lost case. Alright. So yeah, that's that for yellow annex channel. That's a difficult boss fight there. So as you guys know that we are back to this place, just a second, इसको हटा देता हूँ और इसको लेता हूँ प्लस अभी मेरे को ये नहीं चाहिए. What I want is wanted. Holy sh! साला यहाँ पे 500 रुपए बाजार लगा हुआ है. All that time I grinded these guys, they still think. Okay, so what you have to do is jump blindly here, like yeah, you will land like I did and you face this way and you start moving straight, don't go left and right. Have to go a little bit more like. Wait a second guys, ये बहुत ही मतलब dangerous जगह है, तुमको सामने दिख रहा होगा. इधर से सीधा जाना है, नीचे जा रहे हो ये मत समझना कि गिर जाओगे फिर ऐसे कुछ होगा. safely पहुंचा. साला ये ऊपर से मार रहा है, रानी आजा नीचे आजा. तो मुझे और ज़्यादा नहीं पता भाई, इतना मैंने देखा था गाइड में, तो यहीं तक मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ. तो एक चीज़ है यहाँ पे, इफ व्हेन यू गो डाउन देर आर लूट्स यू वुड हैव सीन. आई डोंट नो हाउ टू गो देयर, आई विल ट्राई अगेन आफ्टर आई गेट द बॉस एरिया एंड ऑल्सो द लास्ट डेथ रूट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज गो इन and this big guy who is going to jump on you, so maybe I will try killing him from this position.
Can't do that. Okay. A little bit. Yes, can do. There are so many assholes down there. If I go down, I don't know if I will survive. अरे मर जाऊंगा बात साला तो there you will find this lever and now somewhere a heavy door has opened. There's where the heavy door has opened. मैं इधर जाना तो चाहता हूँ लेकिन साला ये लोग देख रहे हो इसका साला को लगता है सिर्फ यही कर सकता है। I can't do that too, bitch. There's few other. I think there's one more. तो पांच ही हिल बचा है यार पांच हिल में क्या मारूंगा मैं किसी को फिर भी ट्राई करने में जा क्या जाता है लेट मी ट्राई वो 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 व्हाट This is like a lift. I can go up. यही लूट मुझे दिख रहा था क्या? Spell Wreck Talisman plus 2. I don't know where that leads. If I go down, can I come back up? I mean if I go down from here, I'm saying. ये रास्ता कौन सा रास्ता है? Oh. Fuck. I fucked up, I think. Wait. Let me see. Let me see if I fucked up. I think I fucked up. But now I know the way to go to that place. So I simply go down from here and follow the path. Okay. So next time I don't have to like fight all those guys. Okay. I will just go back and do all that shit again but this time we are going wait I'm going to change my tier lightning attack
I will remove this lightning attack for now. Let me see, I think this should not be that hard, considering if I do this fast enough. इधर ही तो जाना है ना भाई, गया, उधर नहीं जाना था भाई, बोला ना मैं, साला ये जगह ही ऐसा है, if you want to give Gurang the last death route, अरे हाँ समझ में आ गया, बीस टाइम है मुझे पीछे से मारेगा, साला अबे ये कौन सा रास्ता था बे, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, हाउ डिड आई एंड अप दिस वे, okay now I get it, लेकिन इधर से एक शॉर्टकट देना चाहिए था यार एक बार, मतलब वो हो जाने के बाद if you have like unlocked the door for the boss there should be another entry or exit point, हाँ पता है ऊपर बैठा हुआ है, I don't have any option but to jump and do that shit again. इस तरफ जाना था ना, can I go straight for that loot? लूट लेने जाऊंगा, अगर मर गया तो कहानी हो जाएगा भाई, मर गया तो कहानी हो जाएगा भाई, देखो यहाँ से इधर ही जाना है ना मेरे को, तो इन लोगों से फाइट लेके क्या फायदा, अपन सीधा चलते हैं, बॉस रूम तो इधर ही है, nicely done bitch, black flame monk and that's your death route, the last death route, okay so we go back directly, I'm going back to the place where Gurang is actually now, before I go to Faramazula through killing my maiden, I need to go back to Gurang.
So if you guys have done this quest, the Gurang quest, you will definitely, you will know what Gurang offers after you give him all the death roots. This is the last death root. I don't know if the reward, bitch. Ancient dragon smithing stone. I thought he would have, he would give me like somber ancient dragon smithing stone, but he gave me dragon smithing stone, ancient dragon smithing stone. That's not half bad, but mera expectation kuch alag tha. Mujhe abhi ek cheez pata karna, I just want to know that I gave death roots like 8 to 9 death roots to Gurang. So will that make him more powerful when I face him in Faramazula? Yes, he is going to face us, beast clergyman is going to face us at the Faramazula. He is going to be a pain in the ass, but for now it's done.